साल 2019 में भारत ने कई कामयाबी हासिल की है। साल की शुरुआत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम पटरियों पर दौड़ने लगी। वहीं मिशन शक्ति ने अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी के झंडे गाड़े। साल के आखिरी में पेयजल संकट से निपटने के लिए सरकार ने अटल भूजल योजना की शुरुआत की। सबसे पहले बात करें मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति के बाद भारत अंतरिक्ष के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया। आर्टिकल 370। 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पेश किया। इस बिल के जरिए जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में बदलना था। ये ऐतिहासिक बिल राज्यसभा में उसी दिन 61 के मुकाबले 125 वोटों से पारित हो गया। अगले दिन यानी 6 अगस्त को ये बिल लोकसभा में पेश हुआ और वहां से भी पास हो गया। अटल भूजल योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को अटल भूजल योजना की शुरुआत। करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत वाली यह योजना 8,350 गाँव में शुरू की गयी। इस योजना के तहत भूजल के स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस। 2019 में भारत में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी को पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। बालाकोट एयर स्ट्राइक। 25-26 फरवरी 2019 की रात भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए और सैकड़ों आतंकी मारे गए। एक ऐसा मिशन था जिसके बारे में आखिरी लम्हों तक किसी को कोई खबर नहीं थी। हमले के बाद पूरी दुनिया को पता चला कि भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की है। तीन तलाक। केंद्र सरकार ने साल 2019 में तीन तलाक मुद्दे पर भी निर्णायक फैसला लिया। इसे मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।